الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم राशिदीन ने बयत की है। बड़े जलील उल कद्र सिहाबा मौजूद थे लेकिन हुजूर के दौर में किसी ने बयत नहीं की। अगर किसी को हुजूर ने हुक्म दिया है तो अलग बात है, बजाते खुद वो पीर नहीं बना। मैं आपकी पूरी तवज्जो का तलबगार हूं। फिर हुजूर के विसाले मुबारक के बाद खुलफा राशिदीन ने बयत की है। खुलफा राशिदीन के होते हुए किसी ने बयत नहीं की। किसी खलीफा के बेटा ने, बाप बड़ा हो गया है, उम्र ज्यादा हो गई है, मसनद पे बैठ जाए, अब मैं भी बयत करूंगा, ऐसा नहीं है। बयत फतह सुलह हुदैबिया के मौका पर जो हुजूर रिसालत मआब ने बयत फरमाई कुरान में है, इन्नल्लज़ीन युबायिउनका, बेशक जिन लोगों ने आपसे बयत की है, इन्नमा युबायिउनल्लाह, मेरे नबी रहमत के दस्ते मुबारक पे बयत की अहमियत कुरान ने कैसे बयान की, मेरे नबी जिन लोगों ने आपके नबूवत के हाथ पे बयत की है उनकी बयत आपसे नहीं बल्कि उन्होंने अल्लाह से बयत की है।
उनकी बैयत खल्लाक कायनात से है। यदुल्लाह फौका अदीहिम, क्या बजत बैयत की अहमियत है मेरे नबी, इन लोगों के हाथों पे आपका हाथ बज़ाहिर आपका हाथ है, नबुव्वत का हाथ है, रसालत का हाथ है, लेकिन असल में उनके हाथों पे अल्लाह का हाथ है। किस कदर अहमियत है बैयत की, कितना अहमियत है कि हुजूर सल्लम की बैयत को अल्लाह खुद अपनी बैयत करार दे रहा है। खुलफा राशिदीन की बैयत हुजूर की बैयत थी, चारों खुलफा राशिदीन की बैयत, फिर इमाम हसन मुज्तबा की बैयत, इनकी बैयत असल में हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन की बैयत थी। बैयत आगे फिर मैं कुरान में ले आऊंगा आपको। बुजुर्गान दीन बैयत करते रहे, चारों सलासल में बैयत होती रही। शेख कामिल का मिल जाना बड़ी बात है, तसव्वुफ नाम सुना है आपने, शरीयत के मुकाबले में तसव्वुफ को अहमियत दी जाती है। याद रखना, शरीयत की अहमियत तसव्वुफ से ज्यादा है। सुल्तान बाहू भी फरमाते हैं, मैंने जो कुछ भी पाया है मैंने शरीयत से पाया है। जितना कामिलीन लोग थे, जितना अहले तसव्वुफ लोग थे, जितना बड़े अजीम बुजुर्ग थे, जितना बड़े पेशवा थे, उन्होंने शरीयत से ज्यादा शरीयत को अहमियत दी है तसव्वुफ पे, तरीकत पे। आप जरा इस बात पे गौर कीजिए, हुजूर गौसे आजम के इरशादात गिरामी में क्या है, तसव्वुफ क्या है। फरमाते तसव्वुफ की जामे तारीफ ये है, दिल का कुदूरतों से पाक होना। अल्लाहु अकबर। दिल का कुदूरतों से पाक होना, न इसमें बुग्ज हो, न इसमें कीना हो, न इसमें हसद हो, न इसमें नफरत हो, न इसमें जाहो जलाल की मोहब्बत हो। दिल का कुदूरतों से पाक होना यह है तसव्वुफ। मौजू को समझें आप, दिल की सफाई का नाम तसव्वुफ है। नबी रहमत ने इशारा फरमाया, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबकुम व आमालकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतें नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारा दिल देखता है और अल्लाह तुम्हारे अमल देखता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूबे सुभानी, किंदीले नुरानी, इतना आला तरीन शख्सियत, जरा आप देखिए, तवज्जो फरमाइए। आप फरमाते हैं, मैं मिंबर पे मौजूद था, मैंने जाहरी आंखों से देखा नबी रहमत शफी उम्मत खातमुन नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होकर जा रहे थे, उनके साथ हजरत मूसा अलैहि सलाम भी मौजूद थे, मौजूद थे। एक हदीस में आते हैं, हुजूर हज को जा रहे थे, हुजूर ने फरमाया मैंने फुलान नबी को देखा इस हाल में जा रहा है। हुजूर हज करने जा रहे थे, मैंने फुलान नबी को देखा इस हाल में जा रहा है, मैंने फुलान नबी को देखा इस रूप में जा रहा है। यह हदीस तैयबा में मिलता है बकायदा। फरमाते हुजूर गौसे आजम फरमाते मैंने देखा, तो इमाम अंबिया ने फरमाया, या मूसा अफी उम्मत रजुल हाकजा, क्या तुम्हारी उम्मत में भी ऐसा आदमी है। अल्लाह, क्या शान हुजूर गौसे आजम की, क्या तुम्हारी उम्मत में। हुजूर ने मेरी जानिब इशारा करके फरमाया, ए अल्लाह के नबी मूसा अलैहि सलाम, क्या तुम्हारी उम्मत में ऐसा आदमी है। हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज़ की, हुजूर ला, मेरी पूरी उम्मत में इस जैसा
ایسا آدمی نہیں ہے۔ یمن کا پادری سنان نامی ہے، بہت بڑا پادری، بڑی تبلیغ کی، عیسائیت کی، بڑے لوگ عیسائیت میں داخل کیے، عیسائیت کا بڑا پرچار کیا، بالآخر اسلام کی شمع روشن ہو گئی، دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، میں آ گئی کہ میں اتنا بڑا پادری ہوں، اتنا میری بڑی شخصیت ہے، دنیا زمانہ مجھے جانتا ہے، تو میں اس بندے کے ہاتھ پہ اسلام لاؤں گا جو سب سے عالی مرتبہ ہوگا، عظیم ترین شخصیت ہوگا، میں اس کے ہاتھ پہ اسلام لاؤں گا۔ کہتا وقت گزرتا رہا لیکن دل میں یہ تڑپ تھی اسلام قبول کروں، لیکن اس کے ہاتھ پہ جو افضل ہو، اعلیٰ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا اذهب الى البغداد، تو بغداد چلا جا، واسلم الى سید عبد القادر، تو سیدنا عبد القادر کے ہاتھ پہ اسلام لا۔ رجل خیر من الارض، اس وقت روئے زمین پہ سب سے زیادہ عظیم انسان وہی عبد القادر ہے۔ عالی مرتبہ وہی ہے۔ دیکھیے انبیاء کرام بھی جن کی عظمت کو تسلیم کر رہے ہیں، اور چاروں سلاسل، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سروردیہ، یہ تمام سلاسل بھی حضور غوث اعظم کو اپنا رہنما مانتے ہیں۔ سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات بے شمار ہیں۔ ایک کرامت کے بعد پھر میں ادھر موضوع کی جانب آتا ہوں۔ آپ سفر میں تھے، ایک جگہ لوگ جھگڑ رہے تھے، آپ وہاں گئے، جھگڑا کس بات کا تھا؟ مسلمان کہتا ہے میرے نبی کا مقام زیادہ ہے، میرے نبی کی عظمت شان زیادہ ہے۔ عیسائی کہتا ہے نہیں، میرے نبی کی شان زیادہ ہے، میرے نبی کا مقام مرتبہ زیادہ ہے۔ چلو آپ نے کہا عیسائی سے، تم کس بات سے کہتے ہو، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تو مردے زندہ کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ اور شان زیادہ ہے، ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم نے فرمایا اچھا یہی دلیل ہے، یہی بات ہے کہ جس نے مردہ زندہ کیے وہ اعلیٰ ہے۔ دیکھ میں نبی بھی نہیں ہوں، میں رسول بھی نہیں ہوں، میں اپنے نبی کے غلاموں کا ادنا سا غلام ہوں، مجھے لے چل، جس قبر پہ لے چلتا ہے مردہ تو میں بھی زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ یا غوث اعظم، اگر یہی دلیل ہے عظمت کی، مرتبے کی، تو پھر مردہ تو میں اللہ کے حکم سے میں بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ آپ تشریف لے گئے، اس نے کہا یہ پرانی قبر ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو کہے جو زندگی میں اس کے اعمال تھے، جو زندگی میں اس کا پیشہ تھا، اگر اسی کے ساتھ اٹھے۔ اس نے کہا یہ تو بہت بہتر بات ہے، اسی پیشے سے اٹھے۔ تو آپ نے کہا کم بیزنی اللہ، بعد نے کہا کم بیزنی، اللہ کے ولی اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جو ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ پورا کر دیتا ہے۔ یہ اشرف علی تھانوی دیوبند کے بڑے عالم دین پیر نے بھی کہا ہے، مقام ولایت میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے، ایک ایسا مرتبہ بھی آتا ہے، جب بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے وہ جو کہتا ہے اللہ کر دیتا ہے۔ آپ نے جب کہا مردہ زندہ قبر سے باہر نکلا، قبر کو پھاڑ کر، اور زندگی میں وہ طبلہ یہ بجایا کرتا تھا، تو اس عیسائی نے جب یہ دیکھا، کہا حضور نے، غوث اعظم نے فرمایا دیکھ میں نبی نہیں ہوں، میں رسول نہیں ہوں، میں تو ایک ادنا سا امتی ہوں، جب اللہ نے مجھے یہ شان دی ہے تو میرے نبی کا مقام کیا ہوگا۔ وہ خود بھی اور سینکڑوں عیسائی اس بات میں مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔
अब सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, पीर में सज्जादा नशीन में 12 सिफात होनी चाहिए। जो मसनद नशीनी पे बैठे बयत करे उसमें ये 12 सिफात हूं तब जाके बयत कर सकता है। और सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, काश मेरी बातें आप दूसरे अहबाब भी हैं तो वो भी गौर से सुने, हमारे नजरिया सुने जरा। इमाम अहले सुन्नत भी फरमाते हैं पहले नंबर पे अकीदा दुरुस्त हो, दूसरे नंबर पे साहेब इल्म हो, तीसरे नंबर पे शरीयत का जानने वाला और उसको हलाल और हराम का पता हो, शरीयत का जानने वाला हो, फिर मुत्तकी परहेजगार हो, ये सिफात हूं फिर जाके बयत कर सकता है। भी आपको किस मौलाना ने कहा कि हर पीर के हाथ पे बयत कर ले, जिसकी न सीरत है न सूरत है न किरदार है न अखलाक है, किसने कहा? क्या पीर में कोई अखलाक नहीं होने चाहिए? क्या पीर की कोई सीरत सूरत नहीं होनी चाहिए? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कोई आदमी किसी से मशवरा लेना चाहता है तो मशवरा गरीब आदमी से ना ले जिसकी रोटी पूरी नहीं होती। तवज्जो, जिसकी रोटी पूरी नहीं होती उससे मशवरा ना ले। क्यों? उसकी सोच फिक्र रोटी तक महदूद है, वो तो मामला से खाली है, उससे मशवरा ना लो। अरे भाइयों, मेरे पास जेब में कोई चीज ना हो और मैं कहूं मुझसे मांगो, मैं तो खाली हूं, मैंने क्या देना है? जो पीर खुद खाली हो वो क्या देगा? अगर गरीब बंदे से इमाम आजम के नजदीक मशवरा लेना दुरुस्त नहीं है तो वो आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना अखलाक है, ना किरदार है, ना सीरत है, ना सूरत है, ना इल्म है, ना शरीयत है, कुछ भी नहीं है, इस्लाम इजाजत नहीं देता उससे बयत करो। अब हुजूर गौसे आजम के मुतल्लिक सुने, आप क्या फरमाते हैं? 12 सिफात हूं, कितना? 12 सिफात हूं फिर वो सज्जादा नशीन बन सकता है, जिसको ख्वाजा अजमेरी भी मान रहे हैं। जब आपने बगदाद शरीफ में मिंबर पे गए, जब मौज में आए, जलाल में आए, कदम उठाया, हाजी ही रकबत वाला कुल वली जिल्ला, ये मेरा कदम हर वली की गर्दन पे है। बगदाद मिंबर पे लोगों के सामने बड़े इत्तेमा में फरमाया, ये मेरा कदम हर वली की गर्दन पे है। कोई हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, कादरी हो, सुरवर्दी हो, वली वली बन सकता ही नहीं है जब तक अपनी गर्दन पे हुजूर गौसे आदम के कदम को तस्लीम न करे। ख्वाजा अजमेरी हिंदुल वली सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज 90 से 95 लाख को कलमा पढ़ाने वाला शख्स, रूहानियत का ताजदार बादशाह, इतना बड़ा अजीम इंसान, अस्फहान की चोटी पे जिक्र इलाही में मसरूफ था, बगदाद के मिंबर से आवाज उठी, ये मोबाइल सिस्टम नहीं था, ये रूहानियत की आवाजें हैं, ये रूहानियत की लहरों के जरिए से पहुंचती है। मैं अहदीस से साबित कर सकता हूं, वक्त नहीं है, ये आवाज कहां तक चली जाती है। आपने जब ये खुतबा दिया और ये कहा, ये मेरा कदम हर वली की गर्दन पे है, ख्वाजा अजमेरी हजारों मील दूर अस्फहान की चोटी पे बैठ के जिक्र इलाही में मसरूफ थे, उसी घड़ी उधर आवाज कान में पड़ी, सर झुका दिया, बलाला राशी, ए गौसे आजम आपके कदम मेरे गर्दन पर ही नहीं बल्कि मैं तो ये कहता हूं, मैं अजमेरी ये कहता हूं, आपके कदम मेरे सर पे है, आपके कदम मेरे सर पे है। मेरे भाइयों, वो हुजूर गौसे आजम जिनको सब मान रहे हैं,
आप फरमाते सज्जादा नशीन जो मसनद नशीनी पे बैठ जाए फिर बैत करे उसमें 12 सिफात होनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, किसी आम पीर की बात नहीं कर रहे, किसी आम मौलाना साहब की बात नहीं कर रहे, किसी मुफ्ती शेख लदीस की बात नहीं कर रहे, ये उस हस्ती की बात कर रहे हैं जो अपने दौर के सबसे बड़े वली कामिल, सबसे बड़े आलिम दीन गौसे जमान फरमा रहे हैं। क्या होनी चाहिए सिफात? 12। दो अल्लाह से लेने वाला हो, दो कैसे? अल्लाह की जात से दो सिफतें लेने वाला हो, ऐब पोशी। अल्लाह हमारे ऐबों पे बड़ा पर्दा डालता है, अगर वो पर्दे हटा ले, हमारे ऐब वाकिफ सबके सामने कर दे तो हम सब मुजरिम हैं। अल्लाह बड़ा करीम है। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब के दौर में एक बंदे ने चोरी की, पकड़ा गया, उसने कहा अमीर मोमिनीन माफ कर दीजिए, पहली मर्तबा चोरी की, मेहरबानी फरमाइए। आपने फरमाया नहीं, अल्लाह तो पर्दे देता, अल्लाह किसी बंदे को पहली मर्तबा दूसरी मर्तबा जुर्म करने पे अल्लाह रुसवा नहीं करता। वो बार कह रहा है अमीर मोमिनीन पहली मर्तबा मुझसे गलती हो गई। कहा नहीं नहीं, ऐसा हो सकता ही नहीं है, अल्लाह तो बड़ा करीम है, अल्लाह तो सत्तार है। अल्लाह अकबर, कितना पुख्ता यकीन था। जब तहकीक की तो कई मर्तबा पहले वो चोरियां कर चुका था, पर मैं अल्लाह की शान सत्तारियत के खिलाफ है, कभी भी बंदा पहली मर्तबा दूसरी मर्तबा नहीं पकड़ा जाता, बार बार जुर्म करता है फिर पकड़ा जाता है। तो फरमाया पहली सिफत ये हो अल्लाह की सिफात में से, पर्दा देने वाला हो। हुजूर अकरम शफी मुअज्जम ने फरमाया, क्या खूबसूरत मैं आपको बातें सुना रहा हूं, अगर किसी बंदे ने जुर्म किया है मसलन आप में से, मैं जानता हूं और मैं कहूं या फुला इत्तकुल्ला, ए बंदे अल्लाह से डर, हुजूर ने फरमाया इस बंदे ने उसकी रुसवा कर दिया, रुसवा कर दिया। हां तन्हाई में, तन्हाई में ये एक बात है, कुछ लोग हैं मुतलकन बयान कर दी जाए, कुछ लोग ऐसे हैं, ये हदीस तैयबा में मिलता है, ये रुसवाई नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं उनको चाहिए राह रास्त पे आ जाएं, ये जुर्म छोड़ दें, ये बात ठीक है। एक मखसूस करके नाम लेकर, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। हुजूर अकरम ने इशारा फरमाया मन सतरा मुसलिमन सतरहुल्लाह यौमल क़ियामा, जो बंदा किसी मुसलमान बंदे का ऐब छुपाता है, मसलन आपने मुझ जैसे गुनाहगार को जुर्म देखा, आपने कोई नहीं इंसान है, मुफ्ती साहब इंसान है, अगर या मैंने आपका जुर्म देख लिया कोई नहीं, तन्हाई में समझा दूंगा। हुजूर ने फरमाया जो बंदा दुनिया में किसी मुसलमान का जुर्म छुपाता है उसको रुसवा नहीं होने देता। मेरे जवानों होती सुने, मेरे बुजुर्गों होती सुने, हुजूर फरमाते अल्लाह कयामत वाले दिन उसके ऐबों को छुपा देगा। अल्लाह मेरा वीजा ने गिरानी दिलाद हो शर्माए पर्दा पोसी। तो प्रभुश आजम फरमाते हैं शेख कामिल में सज्जादा नसीन होने वाले के लिए जरूरी है वो पर्दा पे पोसो। क्यों? इत्तकु फिरासत मोमिन फइन्नहु जंजर बिनूरिल्लाह। हुजूर फरमाते हैं मोमिन की बसीरत से डरो, फिरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। शेख कामिल को इल्म होता है मेरा मुरीद क्या करता है, उसकी सुबह कैसी है, उसकी दोपहर कैसी है, उसकी शाम कैसी है, उसकी रात कैसे है, वो कमाता कैसे है, खर्च कैसे करता है, शेख कामिल को पूरा इल्म होता है। दूसरी बात रहम दिली, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, शेख कामिल में जलाल भी हो जमाल भी हो, हर वक्त गुस्से जलाल में नहीं जमाल भी हो, दो बातें हुजूर से सिफतों से लेने वाला हो, शफकत रिफाकत मेहरबानी। कभी हज बिलाल के दिल में नहीं आया ये बात कि जितना मोहब्बत हुजूर सिद्दीक अकबर से करते मुझसे नहीं करते,
जितना मोहब्बत सैयदना अली और मुर्तजा से करते मुझसे नहीं करते, नहीं नहीं, हर सिहाबी कहता वो हबशी होता, वो जमीन होता, वो रूमी होता, वो कहीं का रहने वाला होता, वो कहता हुजूर सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे फरमाते। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना। अल्लाहु अकबर। मैं आपको क्या बताऊं, जब अबू जहल पड़े साथियों ने कहा हमारा दिल करता है आपके पास बैठे, लेकिन जब आते हैं तो कभी हमें शुहैब रूमी नजर आते हैं, कहीं कभी बिलाल हबशी नजर आते हैं, कहीं सलमान फारसी नजर आते हैं, मैले कुचले इनके कपड़े, इनकी हालत ऐसी, तो हमारे लिए अलग वक्त होना चाहिए। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, मेरे हबीब अगर आप इनको उठा देंगे तो कौन बिठाएगा करीब। मेरे हबीब आप इनके साथ बैठे क्यों, ये सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये गरीब जरूर है लेकिन अल्लाह का जिक्र करते हैं, इनको करीब बिठाइए। मेरे भाई हुजूर की शफकत का ये आलम था। फिर हुजूर की दूसरी रफाकत, जिसने हुजूर के साथ ताल्लुक जोड़ लिया हुजूर ने कभी ताल्लुक नहीं तोड़ा। शेख कामिल की आदत है करीमाना ये हो, जिसको बजट चल लिया ये नहीं कि गरीब को छोड़ दे, अमीर के साथ ताल्लुक हो नहीं, गरीब से गरीब बंदा भी मुरीद है उसके साथ भी वही ताल्लुक। ये हुजूर की जात से अगर यहां वाकियात बयान करूं तो बड़ा वक्त चाहिए। फिर दो सिक्के लेने वाले हैं सैयदना सिद्दीक अकबर से, रास्ती और रास्ते बोली, सच्चाई पे कायम रहना और सच्चाई की बात करना, कितना बड़ी बात हुजूरों से आदम ने फरमाई है। मेरे भाइयों इन 12 सिफात को देखकर 90-95% छाटी हो जाती है, छाटी हो जाती है 90-95%। पर मैं पीर वो हो जो सच्चाई पे कायम हो और सच्चाई की तबलीग करने वाला हो, और दो बातें सैयदना उमर बिन खत्ताब से लेने वाला हो, दो सिफते क्या, अमर बिल मारूफ और नहय अनिल मुनकर, लोगों को भलाई का हमेशा हुक्म देना और लोगों को हर बुराई से रोकना। कुरान भी यही कहता है, यामरून बिल मारूफ व नहयून अनिल मुनकर, भलाई को हुक्म देते हैं बुराई से रोकते हैं, ये आपसे लेने वाला हो। दो सिफते सैयदना उस्मान गनी जी नूरैन से, कौन सी, हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं नंबर एक, सखी हो, सिर्फ पीर लेना ना जानता हो, पीर देना भी जानता हो, खर्च करना भी जानता हो, हर मौके पे अपनी रात के लिए नहीं, मेरा घर नहीं है, मेरी गाड़ी नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, नहीं, देने वाला भी हो। और हुजूर ने फरमाया ये हाथ इस हाथ से बेहतर है। जो हमारे औलिया कामिलीन थे उनके हालात पढ़े, वो हर तरह से नवाजते थे, और इस जमाने के जो हमारे पीर हैं उनको सिर्फ लेना ही आता है, देना नहीं आता। उधर गौसे आजम फरमाते हैं खर्च करने वाला हो, सखी हो, और दूसरी बात सब बेदार हो। सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं सब बेदार हो, फरमाते हैं 40 बरस मैंने इशा के वजू से नमाजें सुबह अदा की है, बस उस्मान गनी एक एक रात में पूरा कुरान पढ़ा करते थे, सब बेदारी का ये आलम था। फरमाते हैं दो बातें सैयदना अली अल मुर्तजा से लेने वाला हो, एक साहिब इल्म हो। हुजूर गौसे आजम फरमा रहे साहिब इल्म हो, कितना अजीब दौर आ गया है, पीर साहब के लिए इल्म की जरूरत ही नहीं है, अक्सरियत आप मुझसे बेहतर जानते हैं, कई ऐसे पीर पकड़ेगा जिनको सही कलमा भी नहीं आता था, जिनको नमाज नहीं आती थी, ऐसे पीर पकड़े गए। तो आप फरमाते हैं सैयदना अली अल मुर्तजा बहुत बड़े आलिम दीन थे,
बहुत बड़े आलिम दीन साहिब इल्म हो, दूसरी बात जुरात और शुजात हो, इस्लाम की मोहब्बत का गलबा हो, जुरात और शुजात हो, इस्लाम के दुश्मन के मुकाबले में मैदान में हो। दौर ऐसा आ गया साढ़े पीर हुक्मराना लाल, ठीक है ना, बस आप समझ सकते हैं मैं क्या कह सकता हूं। तो मेरे अजीजा ने गिरानी पीरा ने इस्लाम में ये सिफात किसने फरमाई है? सैयदना गौसे आजम ने फरमाई है। अल्लाह ताला मुझे हर कहने की और आप समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।